नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करूँगा वो है ECS T10 ब्रसिका का आज के दिन का तीसरा मुकाबला जो कि यहाँ पर खेला जाने वाला है जिन्ने ब्रसिका क्लब वर्सेस जनूजा ब्रसिका क्लब के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा दोनों टीम्स के लास्ट मैच के आधार पर आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन फॉर कैप्टन और बेस्ट ऑप्शन फॉर वाइस कैप्टन कौन रहेगा और कौन सा प्लेयर इस मैच में फ्लॉप होगा और कौन सा प्लेयर इस मैच में हिट होगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा अगर आप लोग इस मैच में विन करना चाहते हैं। तो बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, लाइनअप या टॉस के बाद 100% विनिंग टीम होगी, अगर आप चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको मिले तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 3000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं, रोज़ाना वहाँ पर फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट में जाना है, कमेंट सेक्शन में, वो जो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट होगा यानी जो पहला कमेंट पिन किया गया होगा वहाँ पर मैंने अपने चैनल का लिंक दिया होगा। जैसे आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको 3000 से ज़्यादा मेंबर्स देखने को मिलेंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में ही आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा जिसको सर्च करके भी आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर वीडियो को कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी बिल्कुल आपके लिए फ्री और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन की तो आपके सामने यहाँ पर चार पिक नज़र आएंगी आपको जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो पहला नाम आएगा यहाँ पर एच अहमद का, दूसरा नाम आएगा यहाँ पर एन अहमद का, फिर रमज़ान का और उसके अलावा अब्दुल रहमान का। तो देखिए अहमद की मैं बात करूँ पिछले मुकाबले में इनको ज़्यादा गेंदें खेलने को नहीं मिली तो इसलिए ज़्यादा रन तो नहीं बना पाए, फिर भी इन्होंने 14 रन की शानदार पारी खेली थी जिसमें एक छक्का शामिल था तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इनको पिक करेंगे। बाकी एन अहमद भी एक अच्छा प्लेयर है, ये आपको ओपन करते हुआ नज़र आया था और उसने बहुत ही अच्छी बैटिंग भी की थी, ठीक ठाक पॉइंट कर दिए थे, 44 के आसपास इसने पॉइंट किए थे तो इसलिए हम लोग इसको भी अपनी टीम में रखेंगे। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर रमज़ान को रखेंगे, हालांकि पिछले मैच में ओपन करने तो नहीं आए थे लेकिन वन डाउन आए थे और विकेट कीपिंग भी काफ़ी अच्छी इन्होंने की थी, 2 रनआउट स्टंपिंग इन्होंने किए थे तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 विकेट कीपर के साथ जाएंगे। बाकी अब्दुल रहमान पिछले मैच मिस किए गए थे तो इसलिए हम लोग इनको इस मैच में भी नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इस मैच में भी ये प्ले ना करें। बैटिंग सेक्शन में हम लोग यहाँ पर नईम अहमद को अपनी टीम में रखेंगे क्योंकि इनके अलावा हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेगी। जेवास की मैं बात करूँ पिछले मुकाबले में ना ही इन्होंने बॉलिंग की और ना ही इन्होंने बैटिंग की और ना ही इन्होंने कोई पॉइंट करके हम लोगों को दिया, ओनली ये प्ले किए थे खाली और कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने किया नहीं था, लेकिन अच्छा प्लेयर है, किसी भी मैच में ठीक ठाक पॉइंट करके दे सकता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर नीचे से देखा जाए तो कोई इंपॉर्टेंट पिक है नहीं जिसको हम लोग यहाँ पर पिक कर सकते हैं। बाकी FW अहमद के अलावा और कोई नीचे इंपॉर्टेंट पिक है नहीं तो हम लोग यहाँ पर इनको पिक करेंगे। ये भी पिछले मैच में 31 पॉइंट इन्होंने किए थे, अच्छी पारी इन्होंने आकर खेली थी, 10 या 14 रन इन्होंने पिछले मुकाबले में बनाए थे तो आपके लिए जो मेन बैट्समैन रहेंगे वो यही 3 रहने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ तो जेड अली पिछले मैच के हीरो थे जिन्होंने 2 विकेट्स निकाले और ओपन करने आए और अच्छे खासे इन्होंने रन बनाए अपनी टीम के लिए, तो अगर इस मैच में भी ये ओपन करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं कैप्टन के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फरीद की तो इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की, इन्होंने 10वां ओवर आखिरी अपना ओवर कराया था लेकिन वहाँ पर इनको विकेट नहीं मिले थे, लेकिन ये 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, उन्होंने 1 ओवर में 1 विकेट भी निकाल लिया था अपनी टीम के लिए, तो आप लोग लखना चाहें इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, डिफरेंशियल पिक एक बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उसके अलावा नीचे देखिए सिर्फ फर्नांडो भी नहीं खेले थे, बाकी हम यहाँ पर ए साफी को अपनी टीम में रखेंगे, हालांकि इनको भी पिछले मैच में कोई विकेट वगैरह हासिल तो नहीं हुआ था, -2 में चले गए थे ये, लेकिन अच्छा प्लेयर है, किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बॉलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए इमरान भी पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, अफजल भी फ्लॉप हुए थे तो हम लोग यहाँ पे नाजिर को लेंगे, ये भी देखिए विकेट्स तो ये नहीं ले पाए थे लेकिन इन्होंने इनिंग की शुरुआत की थी और 58 पॉइंट कर दिए थे और 40 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर सली को लेंगे जो कि हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हालांकि ये भी पिछले मैच में विकेट लेस गए थे, एक भी विकेट इनको नहीं मिला था, लेकिन अच्छा प्लेयर है, किसी भी मैच में 2 से 3 विकेट निकाल सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्रेडिट बचता है 9 का, जहाँ पर आप देखिए लेना चाहें देख सकते हैं आर अहमद को जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर लेना चाहें तो इमरान को ले सकते हैं जो कि पिछले मैच में विकेट लेस गए हैं, तो ये चॉइस पूरी आपके ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पर आर अहमद के साथ जाऊँगा जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर इनके साथ जाने वाला हूँ। अगर आप लेना चाहें तो इमरान महमूद को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। एक बार आपको मैं टीम प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की। तो देखिए विकेट कीपर सेक्शन मैंने यहाँ पर अहमद को लिया है, एन अहमद को लिया और यहाँ पर रमज़ान को लिया है, ये तीनों जो प्लेयर हैं वो एक हार्ड हिटर
प्लेयर आप इन तीनों को कह सकते हैं। किसी भी मैच में 20 से 16 गेंदों में 40 से 45 रन आराम से बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर जेवास को लिया जो कि बॉलिंग के लिए भी जाने जाते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर अहमद को लिया जो कि ठीक ठाक रन बना देते हैं, ओपन करने आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अहमद को लिया जो कि मिडल ऑर्डर के एक बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन है। बाकी मैंने जेड अली को लिया जो कि पिछले मैच में ओपन भी किए थे और 2 विकेट इन्होंने निकाले भी थे। उसके अलावा यहाँ पर एसेफी को मैंने लिया जो कि पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे लेकिन अच्छा प्लेयर है, किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर नाजिर को अपनी टीम में लिया जो कि अपनी टीम के लिए ओपन किए तो 2 ओवर का स्पेल कराए थे। एस अली को लिया जो कि अपनी टीम के लिए बैटिंग भी कर देते हैं, 2 ओवर का स्पेल इन्होंने इस बार जल्दी कराया था। वैसे इनको जो टीम है वो 7वें ओवर में बॉलिंग देती है इनका दूसरा ओवर, इसीलिए ये विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन अच्छा प्लेयर किसी भी मैच में 2 से 3 विकेट निकाल सकता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर रुकसर अहमद को लिया है जो कि अपनी टीम का कप्तान है और इस वाले मैच में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। पिछले मैच में इसने 2 विकेट निकाले थे तो हो सकता है इस वाले मैच में भी ये 1 या 2 विकेट निकाल के आपको दे दे। तो मैं बात करूं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाएं, तो मैं आपको बता देता हूं, जेड अली अगर पिछले मैच की तरह इस मैच में भी ओपन करते हैं तो इनसे अच्छी वाइस कैप्टन की पिक आपके लिए कोई रहेगी नहीं, और वाइस कैप्टन यहाँ पर नासिर से अच्छा आपके लिए कोई रहेगा नहीं। क्योंकि सीधा सा आप लोग भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो प्लेयर आपको T10 में ओपन करके दे रहा है साथ में 2 ओवर का गेंदबाजी भी कर रहा है तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और सेम फंडा ये नासिर के भी ऊपर भी अप्लाई होता है, ये भी ओपन करेंगे और ये भी 2 ओवर का स्पेल करवाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं रमजान का भी बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में कुछ कंफर्म नहीं था, कंफर्म ये भी नहीं था कि ये वन डाउन आएंगे, लेकिन आ गए थे लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए, ओनली 12 रन बना के आउट हो गए। बाकी हसन अहमद का भी यही रिस्क था पिछले मैच में, इनको भी ज़्यादा गेंदें खेलने को नहीं मिलेंगी अगर नासिर ऊपर ओपन करने आएंगे। बाकी यहाँ पर अहमद को आप लोग बनाना चाहें तो ये सेफ ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि ये पिछले मैच में ओपन करने आए थे, साथ में ये प्लेयर बॉलिंग भी करवा सकता है। तो मैं अपनी टीम को सेव कर देता हूँ, आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लें, इसका प्रीव्यू ले लें, जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप इस टीम को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, घंटा जरूर दबा देना ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी। बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम होगी लाइनअप या टॉस के बाद वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर अभी के समय 3,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना वहाँ पर फ्री टीम्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट सेक्शन में जो पहला लिंक होगा वो हमारे चैनल का होगा, जिस पर क्लिक करते हैं सीधा आप लोग हमारे चैनल पर आ जाएंगे और वहाँ पर आप बाकी मेंबर्स की तरह फ्री 100% विनिंग टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितने भी फैंस ऐप है जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करें ऑलवेज विन करें, हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो भाइयों मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।